हेलो नमस्कार सलाम आदाब जय श्री राम सत श्री अकाल। मैं हूं रमित और स्वागत करता हूं आपका एक नए वीडियो पे। आज की इस वीडियो के अंदर आपको पांच फिल्में सस्पेंस थ्रिलर पर बेस्ड बताऊंगा और ये फिल्में माइंड ब्लोइंग है, अभी तक आपने देखी भी नहीं होगी, मेरी गारंटी है। और पांचों की पांच फिल्म नेल बाइटिंग है, ये कॉन्सेप्ट आपने अभी तक नहीं देखा होगा। पांचों की पांच फिल्में आपको देखने को मिल जाती है आपके होम स्क्रीन यानी कि टीवी यूट्यूब पर ही। और सभी की सभी फिल्में कहां पर कैसे देख पाऊंगी ये अगर आपको जानना है तो ये पूरा वीडियो आपको फॉलो करना पड़ेगा। और ये मैं गारंटी देता हूं कि आईएमडीबी रेटिंग के हिसाब से और कंटेंट के हिसाब से नेल बाइटिंग टॉप नॉच फिल्में होने वाली है। अगर आपको ये जानना है कौन कौन सी फिल्म है तो ये वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा। और तो बस इसी अपील के साथ के चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए बहुत ज़्यादा। और रमित राजपूत 9 मेरा इंस्टाग्राम है, वहाँ पर मैसेज ज़रूर करिएगा अगर कोई भी इशू आता है तो, क्योंकि बार बार हर एक वीडियो में बोलना पड़ रहा है कि यूट्यूब वीडियो में कुछ भी बताना डिस्क्रिप्शन में देना अब पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए आपको इंस्टाग्राम पर फॉलो करना पड़ेगा रमित राजपूत 9। तो चलिए गाइस वीडियो करते हैं फटाफट से शुरू। वैसे तो रैंकिंग कोई की नहीं है लेकिन फिर भी पहली जो फिल्म आती है उसका नाम है हेवन 2022 में रिलीज हुई मलयालम भाषा की एक मिस्ट्री मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म ये होने वाली है, जिसकी आईएमडीबी रेटिंग है 6.6 out of 10। और इस फिल्म के अंदर आपको सूरज देखने को मिलते हैं, सुदेव नायर, उनके अलावा दीपक पारमोल एंड निमिषा जैसे कलाकार देखने को मिल रहे हैं। पुलिस वाला है, पुलिस वाले का एक बेटा अपने दोस्त के घर जाता है, ये फिल्म का प्लॉट है, और वहाँ उसका कत्ल हो जाता है। अब ये इन्वेस्टिगेशन करना है कि उसका मर्डर हुआ है, सुसाइड हुआ है, एक्सीडेंटली कुछ हुआ है, या किस जो भी किया है वो किसने किया है। ये बड़ी ही गजब की एक ऐसी है जो आपकी कॉन्सेप्ट है, जो आपको कुर्सी की पेटी बांध कर बैठ जाओगे और एंड तक आपको छोड़ेगी नहीं। ये फिल्म आप हॉटस्टार पर देख सकते हैं। जो फिल्म आती है उसका नाम है गोलम और ये फिल्म 2024 में रिलीज हुई मलयालम भाषा की। ये भी एक मर्डर मिस्ट्री फिल्म है जिसकी आईएमडीबी रेटिंग है 7.2 और 90% गूगल यूजर ने इसको लाइक किया। फिल्म के अंदर आपको देखने को मिलते हैं रंजीत सजीव, उनके अलावा दिलीप पोथन, सनी बेन एंड सिद्दीक जैसे कलाकार आपको देखने को मिलते हैं। ये बेसिकली पुलिस वगैरह की फिल्म है। इसके अंदर क्या लगता है, एक बड़ी ही कंपनी का एमडी जो रहता है वो अपने ही बाथरूम के अंदर मृत पाया जाता है और बाथरूम अंदर से लॉक है। सबको लगता है ये कोई हार्ट अटैक या कोई एक्सीडेंटल डेथ है, लेकिन एक ASI है जिसको ये लगता है कि ये मर्डर है और वो इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन करता है। कैसे करता है, क्या करता है, क्यों करता है, गोलम फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए, ये प्राइम वीडियो पर को मिलेगी। अगली जो फिल्म आती है उसका नाम है इलाविजा पुंचीरा और प्रोनाउंसिएशन अलग हो तो बता देना। और ये फिल्म 2022 में रिलीज हुई थी, मलयालम भाषा की फिल्म है और मलयालम भाषा की फिल्म मर्डर मिस्ट्री होने वाली है, जिसकी आईएमडीबी रेटिंग की बात करूँ तो वो होने वाली 7.385% गूगल यूजर ने इस फिल्म को पसंद किया। शोबिन शहीर आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं, उनके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे सुदीप कोटपा एंड एंथनी जोसेफ जैसे के कलाकार को। अगर मैं बात करूँ फिल्म के प्लॉट लाइन की तो यहाँ पर एक जो एक हिल स्टेशन है छोटा सा, वहाँ पर एक छोटा सा पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर दो पुलिस वाले मिले, एक लिमिटेड पुलिस होती है और आसपास के एरिया में सनसनी तब फैल जाती है जब एक महिला आके जैसे कि हाथ अलग, घुटने से नीचे, गर्दन अलग, हाथ पैर अलग, पैर अलग, ये सब घुटने से नीचे का हिस्सा अलग, मतलब कुछ भी बॉडी पार्ट्स अलग अलग मिलना शुरू हो जाते हैं। अब ये मर्डर है, किसने किया है, क्यों किया है, कोई सीरियल किलर है, यही सब जानने के लिए एक छोटे से हिल स्टेशन के, छोटे से पुलिस स्टेशन का एक छोटा सा पुलिस वाला क्या कुछ करता है, यही जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी या देखनी भी चाहिए। एक मास्ट वॉच फिल्म है ये भी सभी की तरह, और ये फिल्म भी आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अगली जो फिल्म आती है उसका नाम है अनवेशिपिन कंदेथन और ये जब रिलीज हुई थी फिल्म ओरिजिनली तो डायरेक्ट नेटफ्लिक्स पर आई थी और कमाल की फिल्म थी यार ये। मलयालम भाषा की ये भी एक मर्डर मिस्ट्री है जो कि एक डेड केस पर बेस्ड होने वाली है, जिसकी आईएमडीबी रेटिंग है 7.486%, गूगल यूजर ने इस फिल्म को पसंद किया है। फिल्म के अंदर आपको देखने को मिलते हैं टोविनो थॉमस, उनके अलावा देखेंगे अर्चना बिनू एंड आदित्य प्रसाद जैसे कलाकार आपको देखने को मिलते हैं। तो ये भी एक कड़क 2024 में रिलीज हुई मलयालम भाषा की ही फिल्म है, जिसके अंदर मर्डर मिस्ट्री जैसे कि मैंने बताया, एक पुलिस वाला जिसको पहले सस्पेंड किया गया था लेकिन अभी उसको वापस बुलाया गया है और वो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। अब आगे क्या कुछ उसको डेड एंड मिलते हैं या फिर कुछ वो निकाल पाता है, क्या कुछ की कहानी होने वाली है, यही सब जानने के लिए आपको ये फिल्म को नेटफ्लिक्स पर देखना पड़ेगा। और भाई अब तक जितनी भी फिल्में बताई है ना वो कमाल की फिल्में हैं सभी की सभी, अगर एक भी नहीं देखी होगी ना तो मज़ा आ जाएगा, तुमको सच में मजा आएगा। आखिरी में जिस फिल्म की बात करूंगा उसका नाम है गरुड़न और फिल्म 2023 में रिलीज हुई मलयालम भाषा की। ये भी एक मिस्ट्री और मिस्ट्री कहेंगे क्राइम थ्रिलर फिल्म होने वाली है, जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 7.3 है, 83% गूगल यूजर ने इस फिल्म को पसंद किया है। फिल्म के अंदर आपको देखने को मिलते हैं बड़े बड़े कलाकार जैसे कि सुरेश गोपी, बिज्जू मेनन, सिद्दीक एंड जगदीश जैसे कलाकार आपको देखने को मिल रहे हैं।
फिल्म के प्लॉट लाइन की बात करूँ उसके पहले बता दूँ, एक लड़की है यहाँ पर और उस लड़की के साथ कुछ मिस हैपनिंग होती है, जिसके इल्ज़ाम के अंदर एक बड़ा पुलिस वाला है एक बड़े प्रोफेसर को अंदर डाल के जेल भी कटवा देता है। और अब जब वो छूट कर आता है तो वो बेकसूर होता है, अब वो बदला लेगा या क्या लेगा क्या करेगा, बस गरुड़न उसी की कहानी है, रिवेंज का ये या कुछ भी है, ये दो लोगों के बीच की कहानी है, एक बड़ा पुलिस वाला एक बड़ा प्रोफेसर। बस ये फिल्म भी आपको Amazon Prime पर देखने को मिल जाएगी। अगर अभी तक ये फिल्में नहीं देखी तो भाग के देख लो यार, कड़क फिल्में थे, जेन्युइन रिव्यू दिया है, हो के मैंने स्पॉइलर नहीं किया हो। और वीडियो आपको पसंद आया हो, एक भी फिल्म ऐसी है जो आपके पसंद आ गई आपको देख के मज़ा आया, तो मेरे को एक कमेंट करना और भाई का चैनल सब्सक्राइब करके इसको आगे बढ़ाना, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।